Learn Computer with Artis Academy. With Artis Academy. PHP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एंड ये आपका सर्वर साइड वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पीएचपी में चलते हैं बेसिक ऑपरेटर और वेरिएबल्स पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को, जो हमारा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड। प्लस एक यहां पे डबल स्टार करके एक ऑपरेटर है, तो डबल स्टार आपका हो गया पावर के लिए, मतलब कि अगर 5 डबल स्टार 2 लिखा हुआ है तो ये आपको देगा 25। अब हम लोग डायरेक्टली पीएचपी टैग ओपन और क्लोज करते हैं। अब यहां पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वो डॉलर साइन लगा के वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर क्या करते हैं, जब भी वेरिएबल लिख रहे हैं तो आप लोग डॉलर साइन लगा रहे हैं। तो मान लीजिए डॉलर ए 6 लिखा, डॉलर बी हमने 2 लिखा, 2 के जगह मान लीजिए 4 ले लेते हैं। तो हम लोग इको का यूज करेंगे। अब यहां पे हम लोग डिस्प्ले कैसे कराएंगे, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू, फिर सिंगल कोट्स बंद, अब डॉट लगाएंगे। यही जावा स्क्रिप्ट में हम लोग प्लस लगा रहे थे, सी प्लस प्लस होता तो एरो का साइन देते, पाइथन होता तो कॉमा देते, यहाँ पे डॉट लगाएंगे। डॉट से हम लोग वेरिएबल को बाहर रखते हुए मैसेज के साथ कॉन्केट करेंगे। ये फर्स्ट वैल्यू हो गया एंड सेकेंड वैल्यू के लिए हम लोग भी उसी तरीके से कर सकते। अब इसमें एक शॉर्टकट तरीका भी है, मान लीजिए आप रन खोल के क्रोम में ऑन कीजिए तो ये आपका तो चलेगा नहीं, पर यहाँ पे क्या करना है, जैम के पहले वाला पार्ट को आप मिटा दीजिए और डाल दीजिए लोकल होस्ट, तो ये आपका वो आउटपुट आ जाएगा। तो अगर हम वो ध्यान से देखें तो वही चीज लिख के आ जाता है, लोकल होस्ट जैम, फिर फोल्डर का नाम, फिर फाइल का नाम। अब इसमें हम लोग वही प्लस माइनस करवा लेते हैं। तब मान लीजिए प्लस माइनस ही कराना है तो डॉलर सी, अब याद रखना है डॉलर आपको बार बार यूज करना है, ये नहीं कि डॉलर पहली बार लिख लिया तो उसके बाद छोड़ दिया, जब भी वेरिएबल लिख रहे हैं तो डॉलर लिखना ही लिखना है। ये सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड हमको रिमाइंडर देगा, देन आपका सिंगल स्टार जो है आपको मल्टीप्लाई करवाएगा एंड इसी में अगर हम लोग दो बार स्टार दे देंगे या एस्ट्रिक दे देंगे तो ये हमको पावर करवाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या क्या है, हमारा 6 और 4 है तो इन दोनों का पावर वैल्यू देगा। इसको रीलोड कर लेते हैं, लाइन नंबर 24 में यहाँ डबल स्टार काम नहीं कर रहा है, ये इसमें नहीं लेता है, तो जावास्क्रिप्ट में ही लेता है।
तो ये अलग अलग आपका वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा आगे के ऑपरेटर हम लोग देखते हैं। आगे मान लीजिए हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू हो गया ए इक्वल्स टू फाइव, तो यहाँ पे खैर हम लोग डॉलर यूज करते हैं, तो ये क्या करेगा, असाइन करेगा वैल्यू। एंड इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब डॉलर ए इक्वल्स टू डॉलर ए प्लस फाइव। एंड ये बाकी सब ऑपरेटर के लिए भी उसी तरीके से लिखा जा सकता है। तो एक तरह से शॉर्ट फॉर्म हो गया लिखने का। एक्सटेंशन याद रखना है डॉट पी एच पी करके लिखना है। इसी को हम लोग कॉपी करके यहाँ पेस्ट करा देते हैं। तो पहला तो हम लोग का वेरिएबल हो गया एंड तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग को 10 मिल जाएगा। सेकंड बार क्या होगा, फिर 10 माइनस 5, तो ये 5 मिल जाना चाहिए। अगली बार हमारा 5 इंटू 5 25 होना चाहिए, फिर डिवाइडेड बाय 5 5 होना चाहिए। एंड अगली बार 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगेन रन किया, यहाँ पे क्या है जैम और फोल्डर का है ही, तो जैम के पहले हम लोग लोकल होस्ट डाल देंगे और ये रन करा लेंगे। तो उसी तरीके से हमको रिजल्ट मिल रहा। फिर नेक्स्ट, तो बेसिकली ऑपरेटर उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से सब में काम करता है। हम लोग देखते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसमें हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू और नॉट इक्वल। अब डबल इक्वल में क्या है, सेम चेक करता है सेम वैल्यू, और ट्रिपल इक्वल में चेक करता है सेम वैल्यू एंड सेम टाइप। एंड फिर इस रिलेशनल ऑपरेटर को चेक करने के लिए या तो इफ एल्स या कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क और कोलोन है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले कंडीशन डालते हैं फिर क्वेश्चन मार्क देखे, रिजल्ट वन रहेगा, या कोलोन देके रिजल्ट टू रहेगा। अब रिजल्ट वन जो है ये कब आएगा, जब कंडीशन ट्रू रहेगा या करेक्ट होगा। एंड रिजल्ट टू कब आएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग ये ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल वाला एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए डॉलर इक्वल्स टू हमने वन लिखा एंड डॉलर बी इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में वन लिखा। अब हम लोग डॉलर
आर वन इक्वल्स टू हम लोग करते हैं डॉलर ए इक्वल इक्वल, अब दो इक्वल का यूज कर रहे हैं मतलब सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, इसमें हम लोग कर देते हैं सेम बाय डबल इक्वल एंड फिर सिंगल कोट्स सेम बाय ट्रिपल इक्वल, और फिर इको कर लेते हैं बी आर लगा देते हैं इसमें डॉलर आर वन, एंड इसी तरीके से एक आर टू वेरिएबल लेते हैं इसमें डबल ट्रिपल इक्वल टू लेते हैं, और इसमें सेम बाय ट्रिपल इक्वल एंड नॉट सेम बाय ट्रिपल इक्वल। तो पहले केस में हमको क्या दिखाएगा, इस केस में हमको बताएगा सेम क्योंकि सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है, पर इस केस में बताएगा नॉट सेम। अगेन इसको रन कराते हैं, रन किया क्रोम में गए, अब एच टी डॉक्स मिटा के यहाँ डाल देते हैं लोकल होस्ट, इसको रन करा देते हैं। तो पहले केस में सेम बता रहा है, दूसरे केस में नॉट सेम बता। फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, इसमें हम लोग क्या करते हैं थोड़ा कंडीशनल ऑपरेटर का और आगे यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर चेक करते हैं, तो हम डॉलर ए इक्वल्स टू 56 लेते हैं, डॉलर बी इक्वल्स टू 45 लेते हैं। अब डॉलर आर इक्वल्स टू डॉलर ए ग्रेटर देन डॉलर बी क्वेश्चन मार्क, फिर इसमें पहला रिजल्ट डॉलर ए कोलोन दूसरा रिजल्ट डॉलर बी। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि भाई डॉलर ए अगर बी से बड़ा होगा तो ए का वैल्यू आर में जाएगा, नहीं तो बी का वैल्यू जाएगा। और फिर यहाँ इको करा लेते हैं लार्जेस्ट नंबर बिटवीन डॉलर ए एंड डॉलर बी इज डॉलर आर, एंड फिर इसको रन कराते हैं, और यहां एस टी डॉक्स की जगह पे हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट, एरर आ रहा है यहाँ डॉट छूट गया, वेरिएबल और मैसेज के बीच में डॉट लगाना होगा। तो अब ये हमारा रिजल्ट आ रहा है कि 56 बड़ा है। अब थोड़ा और आगे हम लोग ऑपरेटर देखते हैं, अब हम लोग चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका एक एंड एंड है, ये एंड क्या करेगा चेक बोथ कंडीशन या एवरी कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन के लिए ये यूज किया जाएगा इज करेक्ट या ट्रू, तो उस केस में, या फिर दूसरा हमारा और है, तो और कब यूज करते हैं जब मान लीजिए एनी कंडीशन करेक्ट। इस केस में क्या है, पहले केस में एवरी कंडीशन करेक्ट होगा तब ट्रू देगा, इसमें क्या है एनी कंडीशन करेक्ट होगा तब ट्रू देगा, एंड तीसरा हमारा नॉट, तो नॉट क्या है ऑपोजिट ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट होगा उसका उल्टा करने पे ये काम करेगा। तो इस केस में हम लोग पिछला वाला ही एग्जांपल को पहले कॉपी करते हैं। अब यहां पे क्या है कि हम जो नीचे वाला पार्ट है
इसी को एक बार और लिख देते हैं, पर इस बार क्या करते हैं, ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देते हैं, तो ये सेकेंड पार्ट में हमको रिजल्ट ठीक देगा नहीं, पहले पार्ट में तो सही बताएगा, दूसरे पार्ट में रिजल्ट ठीक नहीं देगा। यार टैग तो क्या हो रहा है, पहले बार तो लार्जेस्ट नंबर 56 बता रहा है पर दूसरी बार 45 भी बता रहा है, तो सेकंड टाइम हमने क्या लिखा, हमने लिखा ए लेस देन बी पे ये देना है, पर अब ऑब्वियस बात है इसमें तो बड़ा नंबर नहीं दे रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर दे रहा है, पर हम चाहते हैं कि जो ये कंडीशन है उसका रिजल्ट जो भी आए उसका उल्टा रिजल्ट दे, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हम लोग नॉट लगा देंगे, तो नॉट क्या करता है, ऑपोजिट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का उल्टा देता है, तो हमारा ये क्या हो गया, एक तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, जब ए लेस देन बी है, जब ए लेस देन बी नहीं है, ये क्या किया, नॉट कर दिया, नहीं है तब ए दीजिए नहीं तो बी दीजिए, तो यही रिजल्ट को हम लोग रीलोड करते हैं तो हमको दोनों केस में 56 मिल रहा है। अब कुछ और एग्जांपल देखा जाए हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का, तो यहां पे हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट बिटवीन थ्री नंबर, तो लार्जेस्ट बिटवीन थ्री नंबर किस तरीके से निकाला जाएगा, तो पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, हमने ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, अब तीन में लार्जेस्ट कैसे निकाला जाएगा, तो डॉलर आर वन हम लोग क्या करते हैं, दो तरीका है, पहले तरीका देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले डॉलर ए ग्रेटर देन डॉलर बी में कंपेयर करवाते हैं, ठीक है, ये दोनों कंपेयर हो गया, अब अगर दो पार्ट का रिजल्ट होगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो पहले पार्ट में क्या होगा, जब ए बड़ा होगा तब पहले पार्ट में जाएगा, तो ए बड़ा है तो ये आ गया, दूसरे पार्ट में क्या होगा, बी बड़ा होगा तो दूसरे पार्ट में जाएगा, तो बी पहुंचा, मतलब ए बड़ा होगा तो पहला पार्ट, ए बड़ा नहीं हुआ तो दूसरे पार्ट में जाएगा, अब क्या करना है, ए और सी का कंपैरिजन करना है और फिर क्वेश्चन मार्क डाल के फिर ए कोलोन सी, इसका मतलब क्या हुआ, इस पार्ट में फिर ए और सी का कंपैरिजन करके फिर ए और सी में जो बड़ा होगा वो पार्ट को हम लोग आर में भेजेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बी और सी में कंपैरिजन करेंगे और बी कोलोन सी में जो बड़ा होगा उसको हम लोग आर में भेजेंगे, तो ये एक तरीका हो गया, इसमें इको करा लेते हैं हम लोग, लार्जेस्ट बिटवीन डॉलर बी डॉलर सी इज डॉलर आर, ये एक तरीका है, इसको फिलहाल रन करके देखें कि लार्जेस्ट वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हमारा आ रहा है लार्जेस्ट, हम वैल्यू अगर मान लीजिए चेंज करके देखते हैं तो डायनेमिकली चेंज हो रहा है। अब दूसरा तरीका जिसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे तो बड़ा सिंपल है, डॉलर आर इक्वल्स टू हम लोग क्या करते हैं, पहले डॉलर ए ग्रेटर देन बी चेक करते हैं एंड ऑपरेटर लगाते हैं डॉलर ए ग्रेटर देन सी चेक कर, तो मतलब ए का कंपैरिजन दोनों के साथ कर लिया गया, अगर ये दोनों से बड़ा होगा तो पहले पार्ट में जाएगा तो ए को रिजल्ट के रूप में भेज देंगे, नहीं तो दूसरे पार्ट में आ जाएगा, दूसरे पार्ट में क्या मतलब
ए या तो बी से छोटा है या फिर सी से छोटा है, तो बी और सी का फिर आपस में कंपैरिजन करना होगा और जो बड़ा होगा उसको हम लोग डॉलर आर में भेज देंगे। तो ये हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर भी है, तो एक तरह से ये हम लोग का हो गया एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। तो नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर एक और कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया गया। बाकी रिलोड करके देख लेते हैं तो रिजल्ट हमारा ठीक आ रहा है, थोड़ा वैल्यू चेंज करके देख लिया जाए कि रिजल्ट ठीक है कि नहीं है, तो रिजल्ट हमारा सही दे रहा है। एंड ये आपका डेसिमल वैल्यू रहेगा तो भी ये आपको रिजल्ट देगा, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा अगला ऑपरेटर जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये प्लस प्लस है। इसमें क्या है, प्लस प्लस ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। ये क्या करेगा, अगेन पीएचपी है तो डॉलर हमको लगाना है, तो ये वेरिएबल का जो वैल्यू है वो ए डॉलर ए प्लस वन कर दे। एंड उसी तरीके से मान लीजिए प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी सेम काम करेगा। एंड उसी तरीके से हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसा ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस करेगा। तो दोनों केस में ये डेटा का तो वैल्यू रिड्यूस कर देगा। क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग थोड़ा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आगे पीछे लगा के इस चीज को चेक कर लेते हैं कि वो प्लस माइनस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहली बार तो हमको 5 देगा, दूसरी बार हमारा 6 हो जाएगा, फिर अगेन 5 हो जाएगा, फिर हमारा ये 4 हो जाएगा और ये हमारा फिर 5 हो जाएगा। इसको रन करा के देख लेते हैं। लास्ट टाइम ये 5 है, तो उसी तरीके से हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमारा बेसिक ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अलग अलग ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, तो जैसे हर लैंग्वेज में रहता है उसी तरीके से है। Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.